देश की राजनीति में 5 दशक तक अपनी मौजूदगी का एहसास कराने वाले रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं रहे। इमरजेंसी के बाद आए 1977 में भारतीय राजनीति के सबसे बड़े बदलाव के दौर में बिहार की हाजीपुर सीट से सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले रामविलास पासवान देश के सबसे बड़े दलित नेता के तौर पर उभरे। लेकिन पासवान को समझना है तो 1977 से कई दशक पीछे चलना होगा। 5 जुलाई 1946, खगड़िया, बिहार। रामविलास पासवान का जन्म जामुन पासवान के घर पर हुआ, जो कि बिहार के खगड़िया जिले के शहरबन्नी गांव में रहने वाला एक दलित परिवार था। पासवान ने कोसी कॉलेज, पिलखी और पटना विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। उन्होंने 1960 के दशक में राजकुमारी देवी से शादी की, लेकिन 2014 के चुनाव में यह खुलासा हुआ कि उन्होंने 1981 के अपने लोकसभा के नामांकन पत्र को चुनौती दिए जाने के बाद उनसे तलाक ले लिया था। उनकी पहली पत्नी से 2 बेटियां उषा और आशा हैं। 1983 में रामविलास पासवान ने रीना शर्मा से शादी की, जो कि एक एयर होस्टेस और अमृतसर के एक पंजाबी हिंदू परिवार से है। उनका एक बेटा और एक बेटी भी है। उनके बेटे चिराग पासवान, जो कि नेता से पहले अभिनेता रह चुके हैं। पासवान का सियासी सफर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू होता है। साल 1969 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। इसके बाद 1974 में लोक दल के गठन के बाद रामविलास पासवान इसमें शामिल हो गए और इसके महासचिव बने। आपातकाल का विरोध किया और इस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। 1977 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा में प्रवेश किया और सबसे ज्यादा वोटों से जीते। हालांकि इससे पहले 1974 में राजनारायण और जयप्रकाश नारायण के प्रबल अनुयायी के रूप में रामविलास पासवान लोक दल में अपनी मजबूत पैठ बना चुके थे। व्यक्तिगत रूप से रामविलास पासवान राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे आपातकाल के प्रमुख नेताओं के बेहद करीबी रहे। वो मुरारजी देसाई से अलग हो गए और जनता पार्टी एस में राजनारायण के नेतृत्व में पार्टी के अध्यक्ष बने और बाद में इसके चेयरमैन के रूप में भी जुड़े। 1975 में जब भारत में इमरजेंसी की घोषणा की गई तो रामविलास पासवान को भी गिरफ्तार किया गया और उन्होंने पूरा समय जेल में बिताया। 1977 में रिहा होने के बाद वो जनता पार्टी के सदस्य बने और पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1980 और फिर 1984 और उसके बाद लगातार 7 बार हाजीपुर सीट से चुने गए। साल 1983 में रामविलास पासवान ने दलित मुक्ति और कल्याण के लिए एक संगठन दलित सेना भी बनाया। रामविलास पासवान 1989 में 9वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए और वीपी सिंह की सरकार में श्रम और कल्याण मंत्री बने। 1996 में उन्होंने लोकसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व भी किया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे और यही वो साल था जब रामविलास पासवान पहली बार रेल मंत्री बने। उन्होंने 1998 तक रेल मंत्री का पदभार संभाला और इसके बाद अक्टूबर 1999 से सितंबर 2001 तक केंद्रीय संचार मंत्री के रूप में काम किया। बाद में रामविलास पासवान को कोयला मंत्रालय में स्थानांतरित भी किया गया और इस पद पर वो अप्रैल 2002 तक बने रहे। साल 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना रामविलास पासवान ने की और फिर जनता दल से अलग हो गए। 2000 के लोकसभा चुनाव के बाद रामविलास पासवान यूपीए की सरकार में शामिल हो गए। फरवरी 2005 के बिहार विधानसभा के चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। परिणाम यह हुआ कि कोई भी विशेष दल या गठबंधन अपने आप सरकार नहीं बना सका। हालांकि पासवान ने लालू प्रसाद यादव का समर्थन करने से लगातार इनकार किया था, जिन पर लगातार पासवान बेहद भ्रष्ट होने का आरोप लगाते रहे, लेकिन जल्द ही ये भ्रम टूट गया। बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह ने लोजपा के समर्थकों की सरकार के गठन को रोकने के लिए राज्य विधानमंडल को भंग कर दिया और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। नवंबर 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान का तीसरा गठबंधन पूरी तरीके से धराशायी हो गया। लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस अल्पमत में आ गए और एनडीए ने सरकार बनाई। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। रामविलास पासवान ने 5 अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। 1996 से लेकर अब तक लगभग हर सरकार में रामविलास पासवान कैबिनेट मंत्री की रैंक पर रहे, चाहे वो संयुक्त मोर्चा हो, एनडीए हो या फिर यूपीए। साल 2009 में 33 वर्षों में पहली बार हुआ जब हाजीपुर से
जेडीयू के रामसुंदर दास से रामविलास पासवान चुनाव हार गए। रामसुंदर दास बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इस दौरान 15वीं लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं जीता, लेकिन इसके बाद 2014 में रामविलास पासवान एनडीए में शामिल हो गए और 16वीं लोकसभा के रूप में चुने गए। यही वो दौर था जब अभिनेता से नेता बने बेटे चिराग पासवान का करियर जमुई लोकसभा सीट से शुरू हुआ। रामविलास पासवान अभी राज्यसभा में थे और मोदी सरकार में मंत्री, लेकिन बढ़ती उम्र और बीमारी ने पासवान को यही रोक दिया। पासवान जैसे जमीनी नेता सदियों में जन्म लेते हैं। TV9 भारतवर्ष की ओर से देश के बड़े दलित नेता रामविलास पासवान को विनम्र श्रद्धांजलि। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।